ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله. अल्लाह वो है, वो अल्लाह ही है जिसने इन मुसलमानों पर, हुदैबिया में शरीक आने वाले मुसलमानों पर सकीनत नाज़िल, इनके कुलूब को सकीनत से भर दिया ताकि ये अपने ईमान के साथ और ईमान का इजाफा करें और आसमानों और ज़मीनों की तमाम फौज और जुनून लश्कर अल्लाह ही के लिए, और वो अलीम भी है हकीम भी, ताकि दाखिल करे वो मोमिनों को और मोमिनात को उन जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही, उनमें वो हमेशा हमेशा रहे और अल्लाह ताला उनके सैयाद गुनाहों के असरात उनसे छांट देगा, दूर कर देगा। मकान अजारे का अल्लाह फौजन अजीमा, और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ताकि वो अजाब दे मुनाफिकीन को और मुनाफिकात को, मुशरिकीन को और मुशरिकात को, जिन्होंने अल्लाह के बारे में बड़े बदगुमानियाँ की, बड़ी बड़ी बदगुमानियाँ की, बुरा बुरा सोचा अल्लाह, हालांकि बुराई की फेर में वो खुद आ गए। अल्लाह इन पर गजबनाक हुआ, इन पर लानत भेजी और इनके लिए जहन्नम तैयार की और बहुत बुरा ठिकाना, और सारे लश्कर आसमानों के और ज़मीनों के अल्लाह ही के लिए हैं और बहुत गालिब और बहुत हिकमत वाला। वल्लज़ी अंज़ला सकीना, इन मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने सकीनत नाज़िल। सकीनत कहते हैं कल्ब के इत्मीनान को, सब्र व सबात को और करार को, इंसान में करार, दिल को करार सुकून होता है, उसको कहते हैं सकीनत। ये नाज़िल की अल्लाह ने क्यों? इसलिए कि ये वो मोमिनीन हैं जिन्होंने सिर्फ अल्लाह के रसूल एक फरमान पर, एक दावत पर लब्बैक कहा, अपनी जानों की, अपने घर वालों की, अपने सामान की खतन कोई परवाह न की और रसूल के साथ ही। वो आदमी अगर अल्लाह की राह में निकलने का इरादा कर ले और जो अल्लाह की मंशा से पूरा करने में लग जाए, फिर इंतजाम सब अल्लाह की तरफ से, लेकिन पहले इंसान का ये इरादा हो, नीयत हो कि मैं निकल रहा हूँ, फिर इंतजाम उसे नहीं करना पड़ते, फिर इंतजाम अल्लाह ताला करता। इन पर अल्लाह ने सकीनत नाज़िल की। सोचिए, ये निकले थे अभी सन 5 में जंग अहज़ाब हुई, तमाम अरब उमड़ आया था इनके दुश्मनी में, तमाम कबाइल जमा होकर हमलावर हुए थे मदीने पर, अभी 1 साल ही गुजरा था। फिर इधर खतरा था इन यहूदियों का, यहूदियों की बस्तियाँ थी, किले थे इनके मुस्तकिल, खतरा रहता था, यह खतरा भी मुस्तकिल लगा हुआ था। फिर खून के प्यासे थे ये,
और निहत्ते उम्रा करते हुए उम्रे के लिए निहत्ते जाना दुश्मनों के उस मकाम पर मरकज पर, ये कोई आसान काम नहीं था। मगर इन मोमिनीन ने इरादा क्यों किया? इरादा इसलिए किया कि सच्चे मोमिन। रसूल ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, जाना है फिर जल्दी है साथ, कुछ परवाह नहीं की उन्होंने। हालांकि मुश्रिकीन ये कहते रहे, मुनाफिकीन जिनको अल्लाह के रसूल ने दावत दी कि तुम भी चलो, मुनाफिकीन ने कहा हम मौत के मुंह में जाएं और ये वापस नहीं आएंगे, जा तो रहें लेकिन ये वहीं पर खप के खराब खत्म हो जाएंगे। ये कुरान ही में है आगे आयत आ रही है। इन हालात में ये निकले सरदर की बाजी, कफन सबसे बांधे हुए निकले, पहली बात थी। फिर जब वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि हम उमरा करेंगे और मुश्रिकीन मक्का ने कहा तुम नहीं आ सकते। ये एक ज़र्ब लगी इनको, इसको भी बर्दाश्त किया इन्होंने। फिर उन लोगों ने बैत रिजवा हुई, बैत रिजवा में उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो बैत रिजवा हुई। रिजवान के बैत में, बैत रिजवा में इन मुसलमानों ने ज़रा परवाह नहीं की कि हमने हत्ते हैं, मरकज़ यहाँ मुश्रिकीन का है, वो एक मील के फासले पर घर है, साजो सामान है, हर तरह के इंतजाम हैं, तमाम कबाइल हलीफ इनके यहाँ हैं, हम घर से 250 मील दूर हैं, मदीने से 250 मील दूर थे, 250 मील दूर हैं, यहाँ ना खाने का बंदोबस्त, ना पीने का बंदोबस्त, ना हथियार मौजूद। इन हालात में इन्होंने बैत की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। अगर सकीना ना होती अल्लाह की तरफ से तो मुमकिन नहीं, कर नहीं सकते। मगर ये इंतज़ाम अल्लाह ताला ने किया, अल्लाह ताला एहसान जताता है कि ये सकीना हमने तुमको दिया, ये करार, ये इस्तिकामत, ये इत्मीनान कल्ब हमने दिया कि तुम हार नहीं सकते, इसलिए अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ। फिर उस्मान गनी जब आ गए और इन्होंने बैत की रसूलुल्लाह के हाथ पर, निहत्ते लोगों ने बैत की कि जान लड़ा देंगे, मौत पर बैत की, पीछे नहीं जाएंगे, मर खप के ही बराबर हो जाएंगे, इस पर बैत की। तो अल्लाह ताला कहता है ये बैत मामूली नहीं थी, यदुल्लाह फौकायदीहिम, नीचे का हाथ तो इनका था लेकिन ऊपर का हाथ जो था वो अल्लाह के नुमाइंदे का हाथ था, वो अल्लाह का हाथ, और जिसका जिसकी बैत अल्लाह के हाथ से हो जाए उसे फिर कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं तबाह कर सकता, उसे जिल्लत कोई नहीं दे सकता, वो कामयाब होता। फिर सोचिए कि उस्मान गनी की शहादत की खबर आई, बैत रिजवा हुई, फिर सुलह हो रही है तो सुलह में दब के फैसला हो रहा, कह रहे हैं कि अगर हमारा आदमी चला जाएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, हमारा आदमी जाएगा तो वापस करना पड़ेगा, इस तरह की दबकर फैसला। और इस साल तुम हज नहीं कर सकते, नाम उमरा नहीं कर सकते, अगले साल करो, इस सब शर्तें भी मान रहे हैं, कोई इश्तियाल नहीं हो रहा है, जो नबी कह रहा है करते चले जा रहे हैं, ये सभी, ये समोतात, ये सकीनत, ये संजीदगी, ये करार, ये सिबात, ये सकीनत अल्लाह ताला ने। फिर इसी दौरान अबू जंदल आ गए, नौजवान जिनके जिनका पूरा जिस्म जख्मी था, मुश्रिकीन मक्का ने मारा था, बेड़ियाँ पहने हुए थे, हथकड़ियाँ पहने हुए थे, आए उन्होंने कहा रसूलुल्लाह हमें बचाइए, इन जालिमों ने बहुत जुल्म किया है हमारे ऊपर। सुहैल ने कहा वादा हो चुका है आपका, सुलहनामा लिखा जा चुका है, वापस करो। सोचिए सहाबा का क्या हाल हुआ होगा जब अपने एक सहाबी को हाल में उन्होंने, लेकिन वो उसे भी बर्दाश्त किया, रसूल ने कहा जाओ, अबू जंदल से कहा वापस जाओ, उसे भी बर्दाश्त की, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की, खुद मक्के से मदीने से मक्के की तरफ निकलना ही एक अजीब बात थी, वही बहुत मामूली बात थी, गैर मामूली बात थी। फिर एक और पहलू है, इस पर गौर कीजिए, वो पहलू ये है कि 1400 अफराद मर्द हैं जो मदीने से निकल रहे हैं,
और मदीना हर वक्त खतरे में, पड़ोस में जो यहूदी रह रहे हैं वो हर वक्त इनके हमले आवर होने वाले हैं। ऐसी सूरतों में ख्वातीन ने कैसे बर्दाश्त किया कि तुम निकल चले जाओ। माँओं ने, बीवियों ने, बहनों ने, सब ने इजाज़त दी कि जब अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने ख्वाब दिखाई नबी को, तो फिर सच्ची ख्वाब है ये पूरी करें, हमारा अल्लाह मुहाफिज है। हालांकि इस सफ़र में औरतें ख्वातीन नहीं थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलिया मोहतरमा उम्म सलमा तो थी, लेकिन और का जिक्र नहीं उठता कि ख्वातीन भी इस सफ़र में थी। मौलाना मौदूदी साहब ने लिखा है इस पर कि यहाँ अल्लाह ताला ने ये कहा कि मोमिनों के लिए जन्नत है, तो सवाल ये है कि मोमिनों के लिए जन्नत है जिसमें ख्वातीन भी आ गई, लेकिन अल्लाह ने ख़ास तौर पर जिक्र किया ख्वातीन का, लियत खिलल मोमिनीना वल मोमिनात, ये इसलिए किया कि वो मोमिन ख्वातीन जो मदीने में रह गई थी और जो नहीं आ सकी थी इसमें, वो भी इसमें शामिल है, इसलिए कि उनकी कुर्बानी भी इन मुसलमानों से कम नहीं है। मदीने के ख़तरात को महसूस करते हुए वहाँ अपने शौहरों को, वालिदैन वालिद को, भाई को रुख्सत करना कि तुम जाओ अल्लाह हमारा हाफिज है, ये आसान बात नहीं थी। तो हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, अल्लाह ही ने सकीनत नाज़िल की क़ुलूबिल मोमिनीन। एक नुक्ता इससे ये मिलता है कि नेकी का इरादा, भलाई का इरादा, कुर्बानी का इरादा, ये तो बंदा करता है, लेकिन रास्ते की हमवारी और कामयाबी ये सब अल्लाह इंतज़ाम फरमाता है, गैब से इंतज़ाम फरमाता है। वल्लज़ी अंज़ला सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, हमने क़ुलूबिल मोमिनीन में सकीनत नाज़िल की ताकि एक ईमान के बाद जो इनके पास था, उसी ईमान ने इनको आमादा किया था कि निकलें, और इस रास्ते में जब ये निकले, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बराबर इताअत कर रहे हैं, नेक आमाल कर रहे हैं, इनके ईमान में बराबर इजाफा होता है। ये एक बहस है जो कहा में बहुत अजीम बहस है। बहस ये है कि ईमान में इजाफा होता है या नहीं, ईमान घटने बढ़ने वाली चीज़ है या नहीं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे इमाम हैं, वो कहते हैं इमाम ईमान घटता बढ़ता नहीं, ईमान सबके अकसाम होता है, वो ये कहते हैं। उसका मतलब उनका ये है कि इस्लामी ममलकत में कानूनी ईमान तो वही है, एक मुसलमान जो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, तो शहरी हकूक उसके भी वही रहेंगे, चाहे वो औलिया के दर्जे का हो या मामूली दर्जे का हो, ईमान बराबर रहेगा सब। तो इस्लामी ममलकत में शहरीत के हकूक़ के लिए कानूनी तौर पर तो ईमान घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन उखरवी निजात के एतबार से, उखरवी दर्जात के एतबार से ईमान घटता बढ़ता रहता है। जाहिर है कि जो ईमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो ईमान सहाबा कराम का था, जो और उनके बाद ताबीन के था, तब ताबीन के था, हमें नसीब नहीं हो सकता, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तमाम उम्मत के लोगों की इबादतें एक सहाबी की इबादत के बराबर आराम कर रही हैं। तो ईमान लिए ताकि ये अपने ईमान में इजाफा करें, वो ईमान तो इनके पास था, उसी ईमान ने इनको मजबूर किया था कि रसूल के साथ में इताअत करें, और उसके नतीजे में इनके ईमान में इनके इजाफा हुआ। वलिल्लाह जुनूदु समावाति वल अर्द वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और सारे जुनून और सारे लश्कर अल्लाह ही के, तो वो अगर मुश्रिकीन को वलिल्लाह नूज़ समावात वल अर्ज़, और सारे लश्कर ज़मीनों के और आसमानों के सब अल्लाह के, ये कहने की क्या बात है? बात यह है कि अगर अल्लाह ताला इन मुश्रिकीन को तबाह करना चाहे तो अवाबीन भेज दे, एक फरिश्ते ही काफ़ी है, फरिश्ते ही काफ़ी, लेकिन अल्लाह ताला कहता है इन मोमिनीन को इस
जंग में हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये इस आजमाइश में पूरे उतरें, अपनी कुर्बानियाँ दिखाएं, अपनी जानसारी दिखाएं और उनके ईमान में दर्जात में इजाफा हो। वरना किसी इनकलाब के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को, अल्लाह के जुनून सब उसी का है। लेकिन ये हिकमत है अल्लाह ताला की कि बंदों के दर्जात बढ़ाने के लिए ये इम्तहान और ये आजमाइशें और ये कुर्बानियाँ देने के मौके फराहम करता रहता है। और ये मौके हर दौर में पैदा होते हैं, कोई इन मौकों में दाखिल हो तो दर्जात पाता है और दाखिल ना हो तो आज़ाब मिलता है उसे। चुनाचे यहाँ भी दो ही तकसीमें हैं, फरमाया कि वकान लाल का इंदल्ला फौजन अजीमा, और ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन लोगों को ये मौका दिया गया कि इन्होंने मैदान में निकले और सुलह उदैहदिया में पहुँचे और इन्होंने कुर्बानियाँ दी, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी कामयाबी। और जो लोग रुक गए और मुसलमानों पर तंज तंजी करते रहे और मुशरिकीन ये सोचते रहे कि हम इनका रास्ता रोक देंगे, यानी और जो मुशरिकीन थे वो ये सोचते रहे कि मक्के वालों ने इनको जख्म पहुँचा दी और उसे रास्ता रोक दिया, युअज्जिबुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात, तो उनको अल्लाह ताला अज़ाब दे। ये आजमाइश की घड़ी इनकी कामयाबी की घड़ी हुई मोमिनीन और मोमिनात, और यही आजमाइश की घड़ी उनके अजाब की घड़ी हुई। युअज्जिबुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात, यहाँ भी मुनाफिकात साथ में है, मुशरिकात भी साथ में। इसलिए कि जो भी इंसान करता है घर की तरफ से अगर इत्मीनान ना हो तो कर नहीं सकता, और घर वाले साथ देते हैं। मुशरिकीन और मुशरिकात ने इनका साथ दिया, मोमिनात ने मोमिनीन का साथ दिया। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम, और ये सोच रहे थे कि ये मुसलमान जो जा रहे हैं मुट्ठी भर मुसलमान 1400 आदमी, इनके पास हथियार भी नहीं, ये वापस नहीं आएंगे। बल ज़नंतुम अल्लैन क़रीबर रसूल वल मोमिनून, बल्कि तुम तो ये गुमान कर रहे थे कि रसूल और उसके साथी अब वापस नहीं आएंगे, दिल में खप जाएंगे। ज़न्न सौ बुरी सो बात सोच रहे, बुरा गुमान कर रहे अलैहिम दारत सौ, लेकिन उस गर्दिश में, उस बदगुमानी की गर्दिश में तुम खुद आ गए, अजाब तुम पर आए, तबाह तुम हुए, बर्बाद तुम हुए, और तुम सोच रहे थे अल्लाह के बारे में बदगुमानियाँ कर रहे थे। ये बदगुमानी ये कर रहे थे कि मुसलमान जाएंगे वहाँ पर पिटा के ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह की मदद रसूल पर नहीं आएगी, इन मोमिनीन के लिए नहीं आएगी। बदगुमानी अल्लाह के बारे में कर रहे हैं, अल्लाह ने उनकी मदद की और इनको अज़ाब दिया, तो इन पर लानत है, अल्लाह का गज़ब है। वअब्दल हम जहन्नम, के लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखा है, फसाद मसीरा, और वो बहुत बुरा चल रहा है। तुम ये सोचते हो कि अल्लाह इनकी मदद नहीं करेगा, वलिल्लाह जुनून, फिर दोहराया अल्लाह ने, वलिल्लाह जुनून समावात वल्लभ, ज़मीन व आसमान के सारे लश्कर तो अल्लाह के हैं, वह एक अबादीन को भेज कर, एक चिड़िया को भेज कर तुम्हें ख़त्म कर सकता है, वह एक फरिश्ते को भेज कर ख़त्म कर सकता है। वकान अल्लाह अज़ीज़ अल हकीम, और अल्लाह सब पर गालिब है, उसका कोई नुमाइंदा तुमसे जंग करने आए और उसका भेजा हुआ परिंदा तुमसे जंग करने आए तो तुम उस पर गालिब आ जाओ, ये नहीं हो सकता, गालिब वही आएगा, वह हिकमत वाला है। इन्ना सल्ला का शाहिदम व बशरम व नज़ीरा, यहाँ से इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। الحمد